मेरे YouTube फैमिली, तो कैसे हो आप लोग? आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियन ब्लॉगर लाखी जा में। तो जी, कल था संक्रांत और कल था सांझ पूजा, वो वीडियो मैंने डाली, आप लोग जरूर देखे होंगे। और ये देखिए थैला भर के क्या क्या चाची ने दिया है, क्योंकि कल जल्दी जल्दी मैं नहीं दे पाई थी। अभी क्या क्या दिया है, कुछ तो दे दी थी, प्रसाद वगैरह, समोसा कचौड़ी वगैरह कल दे दिया था, और कुछ सामान आज दिया है, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो मैं एक एक चीज करके दिखा रही हूँ, क्योंकि उधर से मुझे समझ नहीं आ रहा है। सबसे पहले ये दिया है फटकने वाला, कुछ रस्म होता है, उन्होंने बोला कि एक ऐसा गोल वाला था वो लेना है कि ये, मैंने कहा ये दे दो, मेरे पास कुछ फटकने के लिए नहीं, क्या ले ले जा, कोई बात नहीं। और ये देखिए, ये चूरा से बना हुआ है, दिखाने तो पड़ेगा ना। ये तिल का है, क्योंकि जो भाभी की बहू है ना, इधर से सही नहीं दिख रहा भैया, जो भाभी की जो मतलब चाची की जो बहू है ना, तो उनके वहाँ से आया था, उनके पापा सब लेके आए थे, चाची ने खुद नहीं बनाया। ये देखिए चूल्हा है, और ये तिल वाला ये है, इसमें तो इसको रखती हूँ साइड। अब ये है एक, दो डब्बा घेवर दी थी, एक तो हमने खा लिया, ये छोटा छोटा वाला, ये घेवर, ठीक है, दो डब्बा दिया था कल, दो डब्बा घेवर और समोसा कचौड़ी दे दिया था सबको प्रसाद में, बकायदा प्लेट भी दिया है मैंने आपको, मैं दिखा तो ये प्लेट में डाल डाल के सबको समोसा कचौड़ी मिला था, नया प्लेट, स्टिकर मैंने आज रगड़ रगड़ के हटा दी। ये हो गया अपना घेवर, और ये उनके महके चावल का आटा आया था, उन्होंने बोली होगी जो भी, तो ये थोड़ा थोड़ा सबको ही दिया, मुझे, भाभी को और मेरी बहन रहती है उनको। और ये है चूरा, पोहा, मतलब ये पोहा, ये चूरा और मुरही कला है, चूरा कला यही सब होता है इसमें। ये है मुरमुरे, ये देखिए, ठीक है, और मैं दिखा देती हूँ, ये चावल शायद से किसी उसमें डाला जाता, छोटा वाला चावल है, बिल्कुल बिल्कुल छोटा छोटा चावल है, कुछ उसमें पूजा में दिया जाता है, तो वो बोलते और कोई किसी को देना होता है या बेटी को दे दो सबसे बढ़िया। और क्या है, सबके घर के लिए, भाभी के घर के लिए, मेरे घर के लिए, बहन के घर के लिए। और ये देखो इनकी ये सब्जी भी इसमें डाली होता है ना, ऐसे डाली में दिया जाता है, तो ये देखिए गांव से सेम भेजी होगी ना, सेम की फली, आलू है इसमें, और इसको तल के खाते हैं, ये है, ये देखिए टमाटर, और कुछ काम आए हैं ये देसी टमाटर, और कितनी वो है इतना समूली भी, सब कुछ जो जो भी मतलब आता है ना उस पर चढ़ता है, तो बोलते कि बेटी को दे दिया जाता है या जो भी। और ये भी है, मुझे लग रहा है ये चाची ने अपने बनाई थी, वो दी है थोड़ा खुद भी, जो ऐसे विद होता है ना। और फ्रूट में ये दिया है, देखिए एक सेब एक संतरा, और ये देखिए ये क्या किया उन्होंने, जो उनको कुछ मिला नहीं होगा ना, तो ये मिठाई वगैरह में दिखा देती हूँ आप लोगों को, ये सारे पन्नी में, छोटे छोटे पन्नी कहाँ मिलता है इतना, उसमें जो भी मिठाई था वो डाल रखी है उनको ना, हम लोग, भाभी है, मैं हूँ, और भाभी, मैं और मेरी बहन रहती है तीन, सब जगह उनको बराबर ही वो करना होता है। ये है मिठाई, खोल करके दी होगी सबको, तो ये आया है हमारे मायके से जी, और कुछ काम आए ना आए, लेकिन सब कुछ काम आने वाला ही है लगभग, ये चावल छोटा वाला चावल होता है ना, खीर वीर बनाने वाला वो चावल है, मुरमुरे सब तो काम आ ही जाता है, तो ये सब आया है मेरे मायके से, मतलब तो चाची तो मायके ही हुआ ना। और उधर सब्जी लेने गई थी, चाची ने पकड़ा दी, उधर भाभी को भी पकड़ा दी, मैं और चाची दोनों साथ में ही गए थे, उधर बहन के घर भी पहुँचा दिए, और हमारे भी थी ये घेवर, एक तो हमने कल खाए थे, एक पड़ा हुआ है, और ये दो तीन पहन लेन और मोटा मोटा सा लग रहा है, सबसे मेरा काम आने वाला ये चीज़ है, कोई मुझे फटकने वाला नहीं था मेरे पास। तो जी आप लोग बने रहिए, और मैं क्या क्या करती हूँ, तो आप लोग बने रहिए। और अभी सब्जी वब्जी लेकिन गर्मी लग गई थी, बाल पूरा समेट के और कलेचर लगा लिया जी, अब करते हैं जो भी करेंगे, तो आप लोग बने रहिएगा।
हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, तो सुबह हो चुकी है और बज रहे हैं 11:30। और रात के बाद अब मैं मोबाइल उठाई हूँ, तो मैंने कहा चलो हाय हेलो तो कर दूँ। और मैंने सब्जी वगैरह सब कुछ बना ली। और सब्जी क्या बनाई हूँ, जो चाची के यहाँ से मिला था सेम की फली, वो तो दिखा रही हूँ। सबसे पहले तो ये देखिए, मलाई को मैंने थोड़े से गर्म पानी डाल करके करीब 10-15 मिनट ऐसे ऐसे चलाई हूँ। अभी अभी ऊपर जाऊंगी छत पे, जब धूप में तब बैठ के करूंगी, और अभी कुछ नहीं कर रही। इधर मेरी इसमें, ओए गैस मेरा बंद हो गया, चलते चलते ख़त्म तो नहीं हो गया ये, इसमें दिक्कत हो गया है। काम करती हूँ ना, इसको बंद करके इसको चला देती हूँ, फिर मैं क्या कर सकती हूँ। हाथ से भी काम नहीं करता मैं ठंड में। दाल मैंने इस पर चढ़ा दी थी आज कम करके, कि धीरे धीरे, क्योंकि आजकल ना जम जाता है तुरंत दाल बना लो तो। और मैंने चावल, जो रोज़मर्रा का ज़िंदगी है, चावल धुल के रखती हूँ। ये मलाई फेंटने के लिए रखी है, उसमें थोड़ा फेंट ली हूँ गर्म पानी करके। और ये देखिए चाची के यहाँ जो मिला था सेम की फली, तो सेम की फली और आलू को अच्छे से मैंने कर ली हूँ फ्राई, और थोड़ी सी लहसुन डाल करके। और इसमें ना कटोरी डली हुई थी, वो कटोरी पर गिर जाता, कुछ मांझना पड़ता, इसलिए मैंने उठा के फेंक दी मतलब छज्जे पर। और ये देखिए आलू और मटर की सब्ज़ी मैंने बना ली हूँ, क्योंकि ये सेम की फली मैं ही खाऊँगी। और दो क्योंकि 2 दिन उनका ट्रेन से आया ही था ना बिहार से, थोड़ा सा मुरझा सा गया था, नहीं तो रखती फिर लंबा टाइम वो भी मुरझा जाता। और मैंने पता है क्या गलती की, चाची ने बिल्कुल लाल वाली जो आलू दी थी ना, वो मैं आलू नहीं डाली, और मैं कोई बात नहीं नई वाली आलू डाली हूँ। इसको अभी रख देती हूँ और मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए। अरे रुक जा, ये शॉपिंग कर, रोटी बना के रख दी हूँ, और बस बर्तन अंतर माँज ली हूँ। कभी कभी मुझे लगता है मैं भूल जाती हूँ काम करके, मैं सोची थी अभी बर्तन दिखाऊंगी कि माँजना है, बर्तन माँज ली हूँ। एक बार तो गए को कचरा शाम को दे दी थी, अभी फिर से जा रही कचरा देने, लेकिन आज मेरा और कुछ काम इधर का नहीं हुआ। ये देखिए इधर बैठते हैं हम लोग, तो इधर भी हमारा कम्बल होता है, एक शॉल होता है, जब बैठती हूँ ज़्यादा ठंड लगती है मुझे। और इधर ये देखिए शॉपिंग, जो जैकेट रैकेट फेंक के फूक के गया, जो बिस्तर मार दी, कैसे लग रहा है देखने में, साफ सुथरा करके फिर मिलती हूँ जी आप लोगों से, पूरा गंद हो रखा है। तो ठीक है जी, हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, शाम है और मेरी तबीयत आज बिल्कुल ठीक नहीं है। सर भी ऐसे दर्द से फटा जा रहा है और पेट में भी दर्द हो रहा है, पता नहीं, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। मैंने तभी सुबह जो मलाई निकाल के रख दी थी, बाल वाल भी कैसे हो रखे सर, तो वो मैं दिखा देती हूँ मैंने क्या किया आज। मेरे से ना बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हो रही, क्या हो गया, ऐसे खराब, ऐसे मन करा चुपचाप लेटी रहो। तो जो भी कभी कभी तबीयत खराब हो जाती है, कभी कभी मन अच्छा होता है, तो सब कुछ अच्छा लगता है। मैंने कि आप लोगों को दिखा देती हूँ मैंने क्या किया पूरे दिन आज, पूरे दिन तो जो भी मलाई वाला सुबह मैंने दिखा दी थी, अभी मैंने शाम को सोची कि मलाई तो ख़राब हो जाएगा ना फिर हमारा, इतना मेहनत की थी दिन में मिला मिला के, तो मैं दिखाती हूँ आपको मैंने क्या किया है। ये देखिए एक ये बड़ी वाली कटोरी भर के मलाई निकली है, और ये कांच वाली कटोरी भी मतलब कि ये आधा से थोड़ा कम है, और ये देखिए ये ना थोड़ा ही निकला है, जो ये निकलता है डाढ़ी, ये कम ही नहीं, क्योंकि जब अच्छे से आप मेस देते हो ना। और ये देखिए उसी की जो छाँच थी, उसमें मैंने थोड़ी सी सिरका डाल दी जो करती हूँ, तो इतना सारा पनीर निकल गया। मुझे लग रहा है कम से कम 250 ग्राम पनीर निकला है। तो मैं प्याज टमाटर सब डाल के भुजी इसी कढ़ाई में, घी वाली में बना दूँगी भुजी। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को बता देती हूँ, दिन में घी दिखाई थी। तो ठीक है जी, इस वीडियो को मैं यहीं पे अंत करती हूँ, क्योंकि मेरा मन आज अच्छा नहीं है, तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना, तब मैं कांच वाले में डालूँगी, क्योंकि अभी डाल दूँगी ना तो कभी भी कांच वाले गर्म में ना फट जाता है, कांच टूट जाएगा। एक बार मेरे साथ पहले भी हो चुका है ये चीज़, तो ये थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, फिर इसमें मैं डाल दूँगी करीब, मुझे लग रहा है कि देखो इतना है यहाँ पे, और ये डालते हुए इतना हो जाएगा। ये है अपना 500 ग्राम का नहीं, 750 ग्राम का जैम का बॉटल है, तो इतना घी निकल जाता है मेरा, करीब 1 किलो 1 महीने में निकल जाता है, 1.5 किलो दूध रोज लेती हूँ तो। और घी भी प्योर होता है, पीला पीला, थोड़ा गिर भी गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, और मेरा मन ही नहीं बिल्कुल अच्छा लग रहा है। ठीक है जी, बाय बाय, इस वीडियो को यहीं पे अंत करती हूँ। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और सब प्लीज मैंने दही मंगवा ली, आज मैं दूध भी लेने नहीं गई, मैं चहल पहल तो कहीं जाती हूँ ना, मुझे अच्छा लगता है घर से, आज बिल्कुल हिम्मत ही नहीं है। ठीक है जी, बाय बाय, मिलेंगे एक नई वीडियो में फिर से।